हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियो पैरालंपिक्स। रियो पैरालंपिक्स जो कि दिव्यांगों के लिए होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड, इस पर जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है उतना मैं इस वीडियो के अंदर पूरा कवर करूंगा। हिंदी भाषा में मैं वीडियो आप तक लेकर आऊंगा। इससे पहले रियो ओलंपिक्स का भी वीडियो मैं आप तक हिंदी भाषा में लेकर आया था, अगर आपने अब तक नहीं देखा है वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियो पैरालंपिक्स में से ज़्यादा एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो इस वीडियो से आसानी से कवर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। रियो पैरालंपिक्स और रियो आप जानते हैं ब्राज़ील का एक मुख्य शहर है, रियो डी जनेरियो। तो ये खेल जहाँ पर हुए शहर का नाम है रियो डी जनेरियो और ये फेमस स्टैचू क्राइस्ट का स्टैचू जिसे कहते हैं क्राइस्ट द रेडेमेर, ये एक इंपॉर्टेंट स्टैचू है जो रियो डी जनेरियो की पहचान है। इनफैक्ट ब्राज़ील की पहचान है रियो डी जनेरियो का ये क्राइस्ट द रेडेमेर स्टैचू। ओपनिंग सेरेमनी जो हुई वो हुई माराकाना स्टेडियम के अंदर 7 सितंबर को ओपनिंग सेरेमनी। और ओलंपिक्स की तरह उस वक्त जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे मिशेल टमेर, अब वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो प्रेसिडेंट मिशेल टमेर ने ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट की। इसमें आपको नेशंस कितने पार्टिसिपेट करना है बस इतना याद रखना है, 163। मोटो या स्लोगन वही है जो ओलंपिक्स का था जिसे कहते हैं अ न्यू वर्ल्ड। पोर्चुगीज भाषा, ब्राज़ील की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है पोर्चुगीज़, क्योंकि ब्राज़ील पे पहले पुर्तगालियों का राज था। पुर्तगाली जो भाषा है पोर्चुगीज़ की, उसमें इसको बोलते हैं अम मुंडो नोवो। मुंडो मतलब वर्ल्ड, नोवो मतलब न्यू, अ मतलब अम। टोटल एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया 4359। ये सब डेटा इफेक्ट्स आपको याद नहीं रखने हैं, आप ये याद रख सकते हैं कि 23 स्पोर्ट्स थे टोटल। स्पोर्ट्स जो कंपीटिंग स्पोर्ट्स थे वो थे 23। जो थीम था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम था वो था यस आई कैन, येस आई कैन। अगर आपको याद हो तो जो ओबामा का जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन का स्लोगन था वो भी यही था, येस आई कैन। मैस्कॉट, मैस्कॉट है टॉम और टॉम नाम रखा गया है ब्राज़ील के संगीतकार टॉम जेबिम के नाम पर, मैस्कॉट है टॉम। जो कोमेमोरेटिव कॉइन्स हैं वो भी इसमें जो ओलंपिक्स के लिए भी और पैरालंपिक्स के लिए भी ये निकाले गए ब्राज़ील की तरफ से, जो सिक्के हैं इस एक्स्ट्रावेगेंजा को यादगार बनाने के लिए ये सिक्के निकाले गए। और टोटल जो मेन मुख्य जो 4 स्टेडियम थे, माराकाना स्टेडियम, कोपा काबाना स्टेडियम, बारा स्टेडियम और देओदोरो स्टेडियम, आपको बस ये याद रखना है कि जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो हुई थी माराकाना स्टेडियम में। या फिर ये पूछ सकते हैं कि माराकाना स्टेडियम कौन से देश में है, तो आंसर है रियो डी जनेरियो ब्राज़ील। मुख्य काम की बात पर आते हैं, इंडिया का पार्टिसिपेशन। भारतीय एथलीट्स ने 1968 से जब से पैरालंपिक्स में पहली बार हिस्सा लिया था, 1968 में लिया था, याद रखिए पैरालंपिक्स में सबसे पहले हिस्सा भारतीय खिलाड़ियों ने लिया 1968 में। उसके बाद 1976 और 1980 को छोड़कर, 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स और 1976 में जो ओलंपिक्स हुए थे इनको छोड़कर सभी पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो पहले पैरालंपिक खेल थे वो कब हुए थे, सबसे पहले पैरालंपिक खेल हुए थे 1960 के अंदर रोम में, 1960 रोम ओलंपिक्स, यहाँ पर हुए थे पहले पैरालंपिक खेल। तो सबसे पहले भारत ने पार्टिसिपेट किया 68 में, 76 और 80 को छोड़ के आज तक जितने भी पैरालंपिक हैं सब में हिस्सा लिया है। तो पैरालंपिक जो इस बार गए 19 खिलाड़ी भारत के, 16 मेन और 3 महिलाएं, 5 खेलों के लिए टोटल ये खिलाड़ी गए। 5 ये खेल हैं तीरंदाजी, एथलेटिक्स, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग और स्विमिंग। तो भारत का पार्टिसिपेशन, अगर कोई पूछे भारत की जो पदक तालिका है यानी मेडल टैली है उसमें स्थान क्या रहा, तो आंसर है 43, भारत का स्थान रहा 43। तो भारत का ये पार्टिसिपेशन डिटेल है। एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया 13 मैन, टोटल बस आप याद रख लीजिए 16 मैन 3 वुमेन और टोटल 19 खिलाड़ी और 15 इवेंट्स में इन्होंने टोटल भाग लिया, जिनमें 5 खेलों की 15 इवेंट्स के अंदर, आर्चरी, एथलेटिक्स, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग और शूटिंग। अब बात करते हैं खिलाड़ियों की, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खिलाड़ी पूजा खन्ना तीरंदाजी के लिए, रिकर्व इंडिविजुअल और ये इनकी जो रैंक रही वो थी 29। आपको बस 4 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं भारत के जो पदक लेके आए हैं, एग्जाम में सिर्फ वही आएंगे। उसके अलावा ये जरूर पूछ सकते हैं कि कौन सा एथलीट कौन से खेल से एसोसिएटेड है, तो पूजा खन्ना आर्चरी। अंकुर धाम एथलेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थंगावेलु मरियप्पन भारत के फ्लैग बियरर यानी ध्वजवाहक भी थे जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई, तो एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हाई जंप। वरुण सिंह भाटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पदक लेकर आए हैं ब्रॉन्ज मेडल हाई जंप के अंदर, एथलेटिक्स।
शरद कुमार एथलेटिक्स हाई जंप, रामपाल अगेन एथलेटिक्स हाई जंप, देवेंद्र झाझरिया वेरी इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडलिस्ट, अभी नहीं 2004 में भी एथेंस खेलों में भी गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर देवेंद्र झाझरिया, जैवलिन थ्रो रिंकू हुड्डा जैवलिन थ्रो, सुंदर सिंह गुज्जर जैवलिन थ्रो, रणबीर नरेंद्र जैवलिन थ्रो, संदीप भी जैवलिन थ्रो, वीरेंद्र धनकड़ जैवलिन थ्रो, अमित कुमार सरोहा डिस्कस थ्रो और क्लब थ्रो, धर्मवीर क्लब थ्रो, दीपा मलिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीपा मलिक पर मैं एक बार आता हूं दोबारा, दीपा मलिक वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सिल्वर मेडल जीता इन्होंने शॉटपुट गोला फेंको प्रतियोगिता में, कर्म ज्योति दलाल डिस्कस थ्रो, फरमन बाशा पावर लिफ्टिंग, नरेश शर्मा शूटिंग, चार इवेंट्स में इन्होंने हिस्सा लिया, सुयश नारायण तैराकी स्विमिंग, तो ये बस ये चार खिलाड़ी हैं, बस इनके नाम याद रखने हैं, इन्हीं पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहला है थंगावल्लू मरियप्पन जो भारत के ध्वजवाहक थे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पैरालंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता, आंसर है मरियप्पन थंगावल्लू। एथलेटिक्स में इन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता, भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता मरियप्पन थंगावल्लू ने। देवेंद्र झाझरिया भी गोल्ड मेडल एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो, और दीपा मलिक सिल्वर और वरुण सिंह भाटी ब्रॉन्ज, वरुण सिंह भाटी ने हाई जंप और दीपा मलिक ने शॉट पुट। ये है पदक तालिका, पदक तालिका चाइना नंबर वन, ऊपर के बस दो याद रखने हैं आपको, नंबर वन चाइना, नंबर टू ग्रेट ब्रिटेन, और भारत रहा 43। इसके अलावा एक दो और चीजें पूछ सकते हैं, जैसे खिलाड़ी हैं कदीना कॉक्स, कदीना कॉक्स ने दो खेलों में हिस्सा लिया अलग अलग और दोनों में गोल्ड मेडल जीत लिया दो खेलों में, और ये पहली ब्रिटिश पैरालंपियन बनी 32 साल में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता दो अलग अलग खेलों के अंदर। तो इन्होंने दो अलग अलग खेलों में और दोनों के अंदर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो नाम है कदीना कॉक्स, और याद रखिए ये ब्रिटेन की हैं। और ये जरूर आ सकता है एग्जाम में, एक साइक्लिस्ट हैं, इनकी जो साइकिल है वो क्रैश हो गई माउंटेनियस स्ट्रेच के ऊपर, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई, इनको हार्ट अटैक आ गया और इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सो ये ईरान के साइक्लिस्ट हैं, इनका नाम है बहामान गोलबर्न जहाद, मैं रिपीट करता हूँ बहामान गोलबर्न जहाद, ये थोड़ा सा नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल है, आप इसको कोई शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। क्लोजिंग सेरेमनी में जैसा मैंने बताया हमारे जो ध्वजवाहक थे वो थे मरियप्पन थंगावेल्लू मरियप्पन, और जो साइक्लिस्ट हैं बहामान गोलबर्न जहाद उनको ट्रिब्यूट्स दिए गए, और इसके अलावा इसमें लगभग 45 माराकाना स्टेडियम के अंदर ही हुई, 45,000 दर्शक थे। अगले जो पैरालंपिक खेल होंगे वो वहीं पे होंगे जहां अगले ओलंपिक खेल होंगे जो है टोक्यो, याद रखिए पैरालंपिक और ओलंपिक हमेशा साथ साथ होते हैं, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के जो प्रेजिडेंट हैं इनका नाम है सर फिलिप क्रेवन, सर फिलिप क्रेवन। सो ये था पैरालंपिक्स का वीडियो, इसमें जितनी भी नेसेसरी चीज़ें थी वो सारी कवर की गई हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप मुझे बताइए कि भारत में भारत की किस खिलाड़ी ने इन पैरालंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।